हाउ आर यू, कैसे हैं? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडीज। टुडे इन दिस वीडियो, एक्चुअली इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश क्लास फर्स्ट ईयर एंड इंटरमीडिएट। गॉट इट? नंबर वन, मोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास द टीचर इज नॉट एट होम। इनडायरेक्ट होगा, मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम। कोई चेंज नहीं है, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और दैट लगाना है। नंबर टू, आशा सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I shall give you my book। अब इसमें दो चेंज हो गए, सेज टू का टेल्स होता है तो आशा टेल्स मी दैट, आई को चेंज करेंगे आशा से शी विल गिव, यू को चेंज करेंगे मी से मी, आई के साथ था माई तो शी के साथ हो गया हर बुक। नंबर थर्ड, यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई लर्न माई लेसन डेली, यू से दैट, आई को चेंज करेंगे यू से यू लर्न योर लेसन डेली, आई के साथ माई है मैं मेरा तो हो गया तुम तुम्हारा। नंबर फोर बहुत सिंपल है, आपका फेवरेट, ही सेज, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सब मनुष्य हैं, मानव प्रजाति हैं, तो ही सेज केवल दैट लगाएंगे, बाकी एज इट इज उतारेंगे। गॉट इट? नंबर फाइव पर आते हैं, ही विल से टू हिज सिस्टर I shall give you some sweets, चेंज करेंगे he will, say to को करेंगे tell his sister that, I का he के साथ will, give you को चेंज करेंगे sister से her ना कि his से, some sweets। नंबर सिक्स पर आइए, the judge informs the court, as it is रहेगा केवल that लगेगा, the man is guilty and will be hanged in a week, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो नाउन है, कोई चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज इन फॉर्म्स भी प्रेजेंट है, इसलिए इज और विल भी चेंज नहीं होंगे। है ना आसान? कोई प्रॉब्लम आए तो जो ग्रामर की वीडियो में जाएंगे आप, तो नरेशन के 1, 2, 3, 4 चार वीडियोस मिलेंगे, वहाँ आपको सारे ग्रामर के रूल्स नरेशन के मिल सकते हैं। नंबर सेवन, आई शैल टेल हिम प्लेनली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू शुड नॉट कम अगेन, तो आई शैल टेल हिम प्लेनली सेम रहेगा, दैट यू को चेंज करेंगे हिम यानी कि ही, बाकी सेम है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कम का गो करें या ना करें, जब कम का मतलब आना है यहाँ की बात होगी तो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है आई, आई माने मैं, मेरा मतलब है मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ पर कम का गो नहीं होगा। अगर आई की जगह पर ही होता तो ज़रूर यहाँ पर हम चेंज करते, और डिटेल के लिए वीडियोज में जाके सर्च करके तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर एट, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई हैव बीन वेरी इल बट आई एम नाउ बेटर, ही सेड दैट, इसमें चेंज करेंगे क्योंकि अब प्रेजेंट है, आई की जगह ही हैड बीन वेरी इल बट, आई का ही इज आर एम की जगह वाज, ही वाज नाउ का देन बेटर। नंबर नाइन पर आते हैं, मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आवर फ्रेंड अराइव्ड ऑन संडे बट ही विल गो ऑन ट्यूसडे। बहुत इंटरेस्टिंग है, मोहन ने कहा दैट, अब आवर को चेंज करेंगे, आवर का मतलब हमारा, इसे या तो तुम्हारा में बदल सकते हैं योर में, या फिर उनका दियर में, योर इसलिए नहीं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट में यू नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डियर फ्रेंड Had arrived on Sunday, but he would go on Tuesday. है ना अच्छा? Next number 10 पर आते हैं, She said to me, comma inverted comma, I forgot to give you my book. तो she told me that, दोनों past हैं, perfect हो जाएंगे, I का हो जाएगा, She had forgot को forgotten to give, you को change करेंगे me से, I के साथ my, तो she के साथ her book, full stop. आपको ये पैटर्न और मेथड कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा हो
और आप चाहते हो कि इस तरह आपको सोल्यूशन लगातार मिलता रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, लव यू।